ग्वालियर में स्मैक की तस्करी करने आए चार बदमाशों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 350 ग्राम स्मैक, नकदी, मोबाइल, मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद की है। वहीं पकड़ी गई स्मैक की कीमत बाजार में लाखों की बताई जा रही है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। कि जो क्राइम ब्रांच है उसको लगातार स्मैक पर वो अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, और अभी हाल ही में कई जो बड़ी कार्रवाई है उसी कड़ी में आज 350 ग्राम जो स्मैक है वो जब्त की गई है और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी मिहोना, भिंड और मैनपुरी के हैं जो इसका लेन देन कर रहे थे और इसमें सप्लायर की भूमिका निभा रहे थे और ये काफ़ी समय से इसमें संलग्न थे, जिसके बारे में हमको पिन पॉइंटेड सूचना मिली, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ये 350 ग्राम स्मैक की तस्करी के आरोप में चारों लोगों को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट का मुकदमा कायम कर विवेचना की जा रही है। क्या कीमत होगी इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत? इसकी कोई ऐसी निर्धारित नहीं है, लेकिन ये काफ़ी जो मुख्य रूप से ये समाज के लिए बहुत घातक है, जिससे कि कई तरह के नशे में लोग लिप्त हो जाते हैं, उसके हिसाब से बहुत बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की। ये अभी इस बारे में पूरी पूछताछ कर रहे हैं मैनपुरी और UP साइड से जहाँ से लेकर के आए ये, और उस बारे में हम आगे जो सप्लाई चेन है उसको और आगे विवेचना में इसका पता करेंगे और उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। चारों का बैकग्राउंड क्या है? इनके परिवार से पहले से NDPS एक्ट के मुकदमे भी हैं और इनके जो उस जगह पर शोहरत है वो इसी काम की थी। इनके परिवार में NDPS एक्ट के पूर्व से मुकदमे हैं, तो ये पहले से लिप्त इस काम में है। और भी कोई आरोपी हो सकते हैं? ये पूछताछ में हम रिमांड लेंगे इनका और इसके पूछताछ में और आरोपियों का नाम का हम पता करेंगे। हाँ ये